हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों 2 से 3 इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक न्यूज़ जो सभी के व्हाट्सएप मैसेज पे आ रही है और कई लोगों ने दोस्तों इसकी पुष्टि की है कि जो DA DR में बढ़ोतरी का है उसका एक प्रॉपर एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगी के लिए DA DR का अप्रूवल मिल गया है। और ये दोस्तों DA DR का जो अप्रूवल है वो भी जो बताया जा रहा है वो है कि 4% जो है आपके DA और DR में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों ये इस न्यूज़ में जो है अल्टीमेटली जो डिटेल्स हो सारी के सारी डिटेल्स लिखी गई हैं कि सरकार की तरफ से जो है ये घोषणा कर दी गई है, प्लस ये जो घोषणा की गई इससे सरकारी खजाने पे कितना लोड पड़ने वाला है, कितने लाख कर्मचारियों का बेनिफिट होगा, ये तमाम चीज़ें दोस्तों जो है इसमें ऑलरेडी जो है प्रकाशित कर दी गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि जो इसमें ये न्यूज़ चल रहा है ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक लग रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जो DA में बढ़ोतरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट की बात करेंगे जहां पे पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर है और पेंशन भोगियों को एक बार फिर से जो है कोर्ट की तरफ से राहत मिला है, कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जीत मिली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो ये 54% DA DR की जो मंजूरी मिली है उसको लेकर बात करते हैं। और इसमें दोस्तों सारी बातें ठीक लग रही है क्योंकि इसमें जो न्यूज़ बनी है वो इस हिसाब से बनी है कि इसमें टोटल डिटेल्स जो बताई गई हैं वो DA के हिसाब से बताई गई हैं। लेकिन दोस्तों यही टाइम होता है जबकि फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट होती है क्योंकि जितने भी ICPN के आंकड़े आए हैं कहीं पे भी जो है आपका DA DR जो है 3% से ज़्यादा कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 54% की घोषणा हुई जो कि पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें कि DA DR में 54% करने की बात की जा रही है तो दोस्तों इसके ऊपर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ऑलरेडी जो है AICPN के जो आंकड़े हैं वो 3% के लिए हैं। 3 महीने का एरियर, अक्टूबर महीने के लास्ट में जो है इसकी भुगतान, ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है। अभी क्योंकि कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी उसमें कहीं पर भी जो है DA DR के ऊपर बात नहीं की थी, तो इसमें बाकी जो बातें वो ठीक लग रही है जिसमें कि अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है आपको DA DR का जो है भुगतान होगा, एरियर का जो 3 महीने का एरियर है उसका भी भुगतान होगा, प्लस अक्टूबर के महीने में जो कहा जा रहा है कि आपका जो है बढ़ी हुई जो पेंशन और सैलरी मिलेगी, लेकिन ये 4% नहीं होने वाली दोस्तों। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई न्यू मैसेज आया तो वो कहीं ना कहीं गलत है जब तक कि सरकार की तरफ से ना आए। जो AICPN के आंकड़े वो क्लियरली बता रहे हैं कि वो 53% है। तो इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये न्यूज़ चल रही है ये ऑथेंटिक नहीं लग रही है। तो अगर आपको भी आया तब तक आप इस पर सिर्फ या सिर्फ कई बार जो है न्यूज़ को जो है सर्कुलेट कर दिया जाता है, कई बार ट्रेंडिंग कर दिया जाता है, और क्योंकि 4% सब लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है बट ऑलरेडी जो डेटा है उस हिसाब से 3% का है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की जहाँ पे कम्यूटेशन का मामला, जहाँ पे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया गया था, अब जगह जगह पे स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो है एम्प्लॉयज़ इस इशू को उठा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने भी इस इशू को उठाया था और उनको कहीं ना कहीं इसकी सफलता मिली थी, उनको स्टे मिल रहा है और उस स्टे के बेसिस पे जो है जो आगे उनकी फर्दर रिकवरी का पैसा है वो अब नहीं काटा जा रहा। उसी में रहते हुए दोस्तों एक और अपडेट आ रहा है जहाँ पे न्यायालय में जाने पर पेंशन भोगियों की हुई बड़ी जीत। तो जो कम्यूटेशन का पैसा लगातार इनका अभी तक कटता जा रहा था उस पर अब रोक लग गई है। और ये हम बात कर रहे हैं
एक और नए स्टेट का जो है ये न्यूज़ आ रही है। इससे पहले हमने दो स्टेट्स की बात की थी, जहाँ पे पंजाब में भी और अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी जो है एम्प्लॉयज़ ने ये जो है केस दायर किया था कि उनका जो कम्यूटेशन की रिकवरी है ऑलरेडी जो है 10-11 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको 15 साल का दिया जाता है, तो कोर्ट ने इसको जो है उस पर स्टे लगा देते हैं। हालांकि AFT के स्टे को हटा दिया गया था जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, बट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में पेंशनर्स को जो रिकवरी है उस पर राहत मिल रही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक बार न्यायालय का फैसला आता है तो वो सबके लिए एक समान होगा, तो सबको वेट है, इवन केंद्रीय कर्मचारियों को भी वेट है कि जो रिकवरी का पीरियड है उसको कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी रिकवरी जो है 10-11 साल में हो जा रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।